वेदांत चर्चा के लिए ये ध्यान रखते थे महात्मा लोग, जिज्ञासु जब जीव उदात प्रकृति का हो जाए, उसका चरित्र श्रेष्ठ हो, उसका भाव श्रेष्ठ हो, बुद्धि श्रेष्ठ हो, तब उसको वेदांत का उपदेश करें। ये बात सर्वत्र उपनिषद और शांकर दर्शन में देखने में आती है। ऐसा नहीं था कि राह चलते कहीं भी लाउड स्पीकर लगा लिया, चौपाटी पर बैठ गए और तुम ब्रह्म हो तुम ब्रह्म हो करने लगे, या शिवोहम शिवोहम का नारा लगाने लगे। ऐसा कहीं किसी भी प्राचीन वेदांत ग्रंथ को देखने से प्रतीत नहीं होता है। इसका फल ये होता था कि जब आत्मा को ब्रह्म जान लेते थे, अनुभव हो जाता था कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो जो चरित्र है, भाव है, बुद्धि है, वो तो जो तत्व ज्ञान से पहले रहती है वही बाद में रहती है। तो उदात्त चरित्र, बड़ा पवित्र चरित्र और बड़ा श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ रहनी जीवन में अनुवृत्त होती रहती थी। जब ऐसा प्रसंग आया कि रजोगुण और तमोगुण इनका तो विपूनन हो नहीं, इनकी जो प्रकृति है, इनकी जो क्रिया है, जो रजोगुणी तमोगुणी भाव है, वासना है, वो तो हो गए नहीं, और अपने को ब्रह्म जान लिया, तो वही जो स्वभाव है, प्रकृति है, रजोगुणी और तमोगुणी, वो जीवन में बरसती रहती है। इससे वेदांत के प्रति लोगों की जो महत्व बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो कहते हैं कि जब वेदांत ज्ञान के बाद भी ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये भोजी है, ये कामी है, तो वेदांत ज्ञान से फायदा ही क्या हुआ? या तो लोगों की महत्व बुद्धि वेदांत में से हट जाती है, और या तो लोग कहते हैं कि अजी ये तो देह इंद्रियों का खेल है, जैसा होता है वैसा होने दो, हम तो ब्रह्मा ही हैं। तो उत्तम वस्तु जो है वो सर्वत्र अधिकारी के हाथ में जाने चाहिए। जैसे आपके घर में हीरा है, सोना है, तो आप अपने 5 वर्ष के बच्चे के हाथ में खेलने के लिए कहाँ दे देते हैं? 1 लाख रुपए का हीरा हो तो बच्चे के हाथ में खेलने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो फेंक देगा उसको। आपके घर में कोई कीमती सामान हो तो नौकर के हाथ में नहीं देते हैं, छिपा के रखते हैं, तो उसको मालूम न पड़े कि कहाँ रखी गई है। इसी प्रकार ये उत्तम वस्तु जो है सर्वोत्तम ज्ञान, इतना सुगम है, इतना सुलभ है, इतना प्रत्यक्ष है कि इसका होना मुश्किल नहीं है, पर इसके होने से जो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख होता है वो तो अधिकारी के हाथ में पड़े तब तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख मिले, और अनधिकारी के हाथ में पड़े तो वो इसको भोग का साधन बना ले, कर्म का साधन बना ले, रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का समर्थन करने लगे। आजकल देखने में ऐसा आता है
एक शहर में हम गए तो वहां मैंने एक भले मानस को पढ़ा लिखा है, समझदार है, शराब तो पीता है, कुछ थोड़ा आचरण भी शुद्ध नहीं है, लेकिन समाज में तो बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी और पढ़ा लिखा है, बिलाया पिलाया तो आया, वो अपने घर में चर्चा कर रहा था। क्या बोले कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो तो गंगोत्तरी के नीचे उतरते ही नहीं और वो कपड़ा भी नहीं पहनते हैं और खाते भी नहीं है, वो आंख से देखते भी नहीं है, तो उनकी सांस भी जरा कमजोर चलती है, है? और उनके मन में कोई सुर नहीं होती है। तो हमने कहा कि अच्छा भाई तो चलो इस बार चलें गंगोत्तरी की तरफ, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों से मिल आवे। तो बोले बाबा हमको ब्रह्मज्ञान की इतनी जरूरत नहीं है कि उनसे मिलने के लिए हम गंगोत्तरी जाएं। बोले कि अच्छा तो यहाँ आए हैं चलो उन्हीं का सत्संग कर लें। तो बोले यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी आ ही नहीं सकते इसलिए हम उनके पास नहीं जाएंगे। बेचारा मारा गया, सत्संग से ही वंचित हो गया। हम लोग वेदांत की जो बात करते हैं वो इतनी सरल है, इतनी सुगम है, कभी कभी हम बोलने में उसको कठिन कर देते हैं, समझाने में कठिन कर देते हैं, ये बात दूसरी है, कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, कठिन युक्ति देते हैं, वो तो हमारी बात अपनी है। अब देखो आपको एक बात सुनाते हैं, आंख जो आपकी है वो केवल दृष्टा है कि कर्ता है, कि भोक्ता है? आप अपनी आंख के बारे में विचार करते हैं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर स्त्री की तस्वीर पुरुष की तस्वीर आती है जाती है और देखने वाले की आंख सिर्फ देखती है, उसमें न औरत के साथ लग जाती न मर्द के साथ लग जाती, उस पर फुलवारी दिख जाती है, उस पर मकान दिख जाता है और आंख हाथ की साक्षी है कि नहीं? देखो आपकी आंख क्यों नहीं चली जाती उस औरत के साथ जो सिनेमा के पर्दे पर है, और क्यों नहीं उस मर्द के साथ जाती? क्यों आपकी जीभ सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली मिठाई को खाने के लिए व्याकुल नहीं होती? या क्यों आपके कान के साथ कोई संगीत चिपक नहीं जाता? ऐसा क्यों नहीं होता? इस पर आपने कभी विचार किया है? यही ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान की प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, ज्ञान की बनावट ही ऐसी है कि वो किसी भी ज्ञेय के साथ आसक्त नहीं होता, ये ज्ञान का सहज स्वभाव है। तो जैसे सिनेमा के पर्दे पर चीजों को, आने वाली चीजों को दिखाना तो आंख का स्वभाव है, आपके घर में बड़ा शीशा लगा हुआ हो और सड़क पर से मोटर जाएगी तो शीशे में दिखेगी, लेकिन शीशे में कोई मोटर चिपकती नहीं है, या शीशे में दिखने वाली मोटर से आपकी आंख चिपकती नहीं है। शीशा बिचारे को तो छोड़ो, मान लो फोटो वो कैमरा होवे तो फोटो ले लेगा, तो कहोगे कि मोटर चिपक गई कैमरे में, लेकिन मोटर सड़क पर हो चाहे कैमरे में हो चाहे शीशे में हो
आपकी आंख मोटर के साथ कभी नहीं चिपकती है। अब इससे आप दृष्टा के स्वरूप को समझने में मदद लीजिए। इस बात से आपकी कोई भी ज्ञानेन्द्रिय अपने किसी भी विषय के साथ चिपकती नहीं है, उसको छोड़ देती है। विषय आवे चाहे जाए और इंद्रियां जो हैं वो ज्यों की त्यों। इंद्रियां आसक्त नहीं होती हो, आपको इस बात को यदि बहुत हम गंभीर भाषा में और गंभीर युक्ति से समझावे तो मुश्किल पड़ेगी समझने में। आंख का विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। ये रूप जो देखते हैं ना, रूप लाल नीला काला पीला, न नेत्र का रूप के साथ संयोग संबंध है, न समवाय संबंध है, न तादात्म्य संबंध है। लो अभी अभी बात जो है हमारी पारिभाषिक भाषा में होगी। बोला आंख रहती है शरीर में और विषय रहता है बहिर्देश में। न विषय आंख में आया, न आंख विषय में गई। ये तो जैसे सूर्य आसमान में रह करके अपनी रोशनी में धरती की चीजों को प्रकाशित करता है, सूर्य का विष्ठा के साथ भी संसर्ग नहीं है और सूर्य का वो अर्घ के लिए जो पुष्प अक्षत धूप दीप जो रखा हुआ है उसके साथ भी संबंध नहीं। सूर्य जैसे प्रकाशक है वैसे आपका नेत्र केवल प्रकाशक है, आपका नेत्र केवल दृष्टा है। नेत्र का और विषय का संयोग संबंध है ही नहीं। अच्छा, तब समवाय संबंध होवे, समवाय संबंध होवे तो समवाय संबंध भी नहीं है। जैसे तंतु है और वस्त्र है, सूत का कपड़े के साथ क्या संबंध है? समवाय संबंध है। जब तक सूत है जब तक कपड़ा है, समवाय संबंध है। तो क्या नेत्र और रूप का कहीं समवाय संबंध है? तो नेत्र और रूप का समवाय संयोग संबंध भी नहीं है, समवाय संबंध भी नहीं है, है? और तादात्म्य संबंध भी नहीं है। क्या आंख आपकी आपके शरीर में से निकल के और विषय के साथ जुड़ गई? और जुड़ गई तो एक विषय के साथ जुड़ी रहे, फिर तो दूसरे विषय के साथ क्यों जुड़ती है, निकल क्यों आती है वहां से? इसका अर्थ हुआ कि ये जो संसार में हमें ऐन्द्रियक ज्ञान होता है, ऐन्द्रियक इंद्रियों के द्वारा, उस ज्ञान में भी विषय के साथ संसर्ग बिल्कुल नहीं है। नारायण, तब फिर आंख को क्या बोलेंगे? नेत्र क्या है? बोले दृष्टा है और रूप दृश्य है। कान दृष्टा है, शब्द दृश्य है, नाक दृष्टा है, गंध दृश्य है, रसना जो है ये दृष्टा है और रस दृश्य है, त्वचा दृष्टा है और स्पर्श दृश्य है। परंतु किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ हमारे इंद्रियों के द्वारा प्रकट होने वाले ज्ञान का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यदि कहो कि इन विषयों के साथ ज्ञान का तादात्म्य संबंध है तो विषयों का उपादान ज्ञान को मानना पड़ेगा ना। तादात्म्य संबंध तो स्वरूप से ही होता है। तो विषय भी ज्ञानात्मक ही होंगे और विषय को तो तुम जड़ मानते हो। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि अलग 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 इंद्रियां हमारी दृष्टा बनी बैठी हैं और विषय दृश्य हैं और किसी भी विषय के आने का, जाने का, मरने का, छूटने का, बिछूड़ने का हमारी इंद्रियों के ऊपर कोई संबंध नहीं पड़ता है।
अब बोले कि भाई इंद्रियां अनेक हैं और उन सबके द्वारा देखने वाला तो मैं एक हूँ, तो मैं अनेक के साथ कैसे देखता हूँ, अनेक से कैसे देखता हूँ। तो बोले बीच में मन पड़ता है, तो हम मन क्या है यही विचार करो, मन के साथ विषयों का क्या संबंध है। सीखा रहा हूँ, न मन बाहर निकल के जाता है न विषय भीतर आते हैं। आप देखो कोई एक रूप तो रूप गया मन में कि मन गया, यही विलायत की इसने कल्पना की। अच्छा तो विलायत आपके कलेजे में घुस जाया, विलायत तो अपनी जगह पर है, वो तो आपके कलेजे में नहीं घुसा। अच्छा मन यहाँ से विलायत चला गया, बोले मन भी अभी एक चिकोटी काटे या एक चपत लगावे तो पता चल जाएगा कि मन कहाँ है, तो मन नहीं गया। तो ये हुआ क्या, विलायत के साथ आपके मन का क्या संबंध है, या बाहर खिले हुए गुलाब के साथ आपका क्या संबंध है। संबंध कोई सन्निकर्ष के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है। संजोगादे असिद्धत्व, संजोगादि संबंध तो सिद्ध होते ही नहीं। तदन्यस्यानुपपत्तितः, और दूसरा तदन्य सन्निकर्ष जो है वो कोई किसी प्रकार मन से होता ही नहीं। तो असल में मन का स्वभाव भी दृष्टा ही है। वो ये हम इसलिए बताते हैं कि लोगों को ऐसा ख्याल है कि एक आत्मा नाम की कोई किम भूत किमाकार चीज है और वो दृष्टा होती है, वो असंग होती है, और वो साक्षी होती है। हमारा कहना ये है कि ज्ञान माति संग होता है, इंद्रियक ज्ञान भी असंग होता है, मानस ज्ञान भी असंग होता है। बोले अच्छा ये हमने देखा है, अरे बच्चे रोने लगते हैं ना, बच्चे अमुक चीज गई उसको मिठाई नहीं मिली, बच्चा रोया और उसके सामने चुटकी बजाई और एक खिलौना उसको दिखाया है ना, अब वो मिठाई चली गई और अब तो खिलौने से खेलने लगा। तो क्या मन यदि मिठाई से आसक्त हो गया होता, मन में आसक्ति नहीं होती है, ये बिल्कुल भ्रम है। भ्रम न आंख में आसक्ति होती है न मन में आसक्ति होती है। अप्रमाणम मनोसक्तम, मन का स्वरूप क्या है, एक तो मन प्रमाण नहीं है और एक मन जो है कहीं आसक्ति नहीं करता। भेदा संसर्ग की, भेद के साथ मन का कोई संसर्ग नहीं होता। देखो ये मन की निरुपाधिकम, और मन के साथ कोई उपाधि उपाधि नहीं जुड़ी हुई है, ये मन की चर्चा कर रहे हो। अब तो मन की कथा सुनाएं, जैन मत में मन का क्या स्वरूप है, बौद्ध मत में मन का क्या स्वरूप है, रामानुजीय मत में मन का क्या स्वरूप है, शैव मत में मन का क्या स्वरूप है, नैयायिकों का मन क्या है, मीमांसकों का मन क्या है, वेदांतियों का मन क्या है, और मन के बारे में अलग अलग विवेचन किया है। अच्छा कहो किसी भी वस्तु के होने और न होने के बारे में मन प्रमाण नहीं है। तो क्यों प्रमाण नहीं है, बोले मन सब इंद्रियों के साथ ही मिलता है। समझो एक आदमी हो, वो आपके दुश्मन के साथ भी उतने ही प्रेम करता हो और है ना, आपके दोस्त के साथ भी उतने ही प्रेम करता हो और सबके साथ मिल जाता हो, सबका अपना बन जाता हो, तो वो किस विषय में प्रामाणिक होगा। तो ये
ये आंख के साथ मिल जाए, ये पट्टा कान के साथ मिल जाए, ये नाक के साथ मिले, ये जीभ के साथ मिले, ये रिश्तेदार नातेदार के साथ मिले, ये तो असल में इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का प्रत्यक्ष होता है उसमें मन सहकारी कारण तो अवश्य है, सहकारी है वो, स्वयं प्रमाण नहीं है। यदि बिना आंख से देखी चीज के बारे में मन कुछ कहे, बिना कान से सुने शब्द का स्मरण करे हैं? और बिना नाक से सुनी गंध की याद करे, बिना जीभ से चखे स्वाद की याद करे, तो आप मन को प्रमाण मानेंगे? स्मृति रूप जो मन होता है वो प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण तो होता है यथार्थ द्रव्य के गुण और क्रिया को इंद्रिय द्वारा बताने वाला मन। अप्रमाणम मनः, इंद्रिय का ज्ञाने सहकारित्व मनः अप्रमाणम, इंद्रिय का ज्ञाने सहकारित्व देश कालादिवत, ये अनुमान का स्वरूप हो गया। जैसे प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान में काल होता है लेकिन काल प्रमाण नहीं होता, काल द्रव्य तो है लेकिन प्रमाण नहीं है, का प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान में देश होता है परंतु देश प्रमाण नहीं होता, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय ज्ञान में मन तो रहता है परंतु मन प्रमाण नहीं होता। मन की कही न मानना भाई, मन की कही न मानना, तो मन भी असल में साक्षी ही है, दृष्ट ही है। मन में दो चीज है, एक ज्ञानांश और एक वासनांश, और दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, न वासना ज्ञान में है न ज्ञान वासना में है। देखो एक बम गोला और फेंकते हैं, जो विचार करते हो कि खेल करते हो न रहे, जैसे किसी ने मिट्टी में रंग डाल दिया लाल, तो माटी लाल हो गई। अब ये कहेगा कि माटी लाल हो गई, तो क्या वो लाल रंग माटी में लग गया कि नहीं, आप ये विचार करो। बोले आंख से तो दिखता है कि माटी लाल हो गई, तो बोले जरा उस माटी को आग में डाल दो, तब क्या होगा, रंग नहीं रहेगा वो माटी रहेगी। ये जो पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते, ये लाल लाल फूल, इनको डाल दो आग में तो माटी तो बच जाएगी और रंग जो है वो जल जाएगा कि नहीं, हरापन जल जाएगा, लालपना जल जाएगा, पीलापना जल जाएगा कि नहीं। तब आप से ये प्रश्न करते हैं कि माटी वास्तव में रंगी गई कि नहीं। वास्तव में यदि वस्तु रूप से यदि माटी पर रंग चढ़ जाता तो आग में जलाने पर या तो माटी और रंग दोनों एक साथ जल जाते हैं, या तो रंग बना रहता। असल में मृत्तिका पर भी रंग नहीं चढ़ता है, द्रव्य का द्रव्यांतर से भी संबंध नहीं होता है। यदि द्रव्य का द्रव्यांतर से संबंध होवे, देश और काल दोनों को एक बना के बताओ, काल और मन को एक बना के बताओ, देश और मन को एक बना के बताओ, ये मन और काल यदि एक हो जाते तो समाधि अनंत लग सकती थी। बोला आप विचार करके देख लो, और मन और देश यदि एक हो जाते तो हमेशा आप स्वर्ग में रह सकते थे, हमेशा स्वर्ग, तब स्वर्ग नाशवान नहीं होता और तब समाधि टूटती नहीं। और मन और प्राण यदि एक हो जाता तो आप सब जगह जा सकते, मन और प्रकाश यदि एक हो जाता तो आप सब जगह की चीज को देख सकते। यदि मन और
जल एक हो जाता तो आप समुद्र बन के बह सकते। द्रव्य का द्रव्यांतर में यदि मिश्रण हो सके तो दो द्रव्य ही नहीं होते हैं। इसलिए नारायण ये मनी राम जो है ये असल में देखते तो सबको हैं और अपने आप को भी कभी कभी रंगा हुआ देख लेते हैं कि हम तो अब इनके रंग में रंग गए। हमको सैकड़ों बार ये भ्रम हो चुका है कि हमारा मन इस रंग में रंग गया, इनके रंग में रंग गया, इस रंग में रंग गया। पर वो रंग उतरते तो महाराज देर ही नहीं लगती, सारे रंग कच्चे हैं, कोई पक्का नहीं है, थोड़ी देर के लिए मालूम पड़ता है। अब देखो बोले कि अच्छा अनुमान प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है। क्यों? बोले इंद्रियक ज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है उसी के संस्कार को ग्रहण करके हम परोक्ष विषयक अनुमान करते हैं। अब आपको ये बात सुना रहा था, वो जो वासना वासना और ज्ञान नारायण मन में वासना नहीं जुड़ती, अगर जुड़ती है तो सुषुप्ति में कहाँ चली जाती है। लीन होते ही, मन के लीन होते ही विषय स्फोरक जो मन है, स्मृति और कल्पना से युक्त जो मन है, उसके शांत होते ही वासना का कहीं पता नहीं चलता और सुषुप्ति में दूसरी वासनाएं कहां से आ जाती हैं और जागृत में दूसरी वासनाएं कहां से आ जाती हैं। वासनाएं तो आती जाती रहती हैं, मन नाम की जो वस्तु है वो न तो किसी वासना के साथ संयुक्त होती है न किसी वासना के साथ उसका समवाय होता है न किसी वासना के साथ उसका तादात्म्य होता है। अंत में सब कुछ किया, सब कुछ भोगा, सब कुछ मिला और अंत में फटे चंद गिरधारी, किसी के साथ मन का कोई संबंध ही नहीं, सब को छोड़ के सो गया, है ना। ये हमारे हाथ पर कभी कभी वो मशीन से मसाज करते हैं, हमारा हाथ जरा उठता नहीं तो मसाज का वो मशीन फिरती रहती है हाथ पर और पांव पर, ऐसी नींद आती है महाराज कि न मसाज करने वाले का पता चले न मशीन का पता चले। बोले हो गई, बताते हैं कि हो गई। अरे भाई कैसे हो गई? तो शरीर के साथ भी मन का क्या संबंध है? कहने का अभिप्राय ये है कि यथार्थता को न जानने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है कि इंद्रिय हमारी अमुक विषय में आसक्त है और प्रमाण है और नारायण हमारा मन अमुक विषय में आसक्त है और प्रमाण है। असल में ये तो शीशे लगे हुए हैं शरीर में जिनसे हम बाहर का तमाशा देख सकते हैं। ये मन एक शीशा तरीका ज्ञान है, प्रकाश है, जिसकी रोशनी में हम सबको देख सकते हैं। और नारायण ये मन देश काल और सहकार से ही सबको देखता जानता है, इसलिए ये मुख्य दृष्टा नहीं है। अब इसके आगे चलो, साक्षात पश्यति इति साक्षी, पश्यति इति दृष्टा। देखो दोनों में बिल्कुल एक ही अर्थ है, धातु वही है और दृश्य धातु है, दृश्य धातु की क्रिया होती है पश्यति और धातु है दृश्य और उसकी क्रिया है पश्यति, दृश्य का पश हो जाता है। ये आश्चर्य है, इसका विवर्त यही व्याकरण का विवर्त है। व्याकरण में विवर्त यह है कि धातु पद जो है वो दृश्य है और क्रिया पद पश है, पश्यति दृश्य का पश हो गया
ये क्या हुआ माने दृश्य तो असल में दृश्य धातु तो दृश्य ही है, ये पश्यति तो उसका विवर्त है। इसी प्रकार अभी पश्यति इति दृष्टा और साक्षात पश्यति इति साक्षी। साक्षात दर्शन में दृश्य धातु से साक्षी बन गया और दृश्य कहाँ गया? साक्षात पश्यति बिना, अब देखो बिना इंद्रिय के और बिना अंतःकरण के जो दृंग मात्र वस्तु है उसको दृष्टा और साक्षी बोलते हैं। बोले भाई इस दृष्टा साक्षी के बारे में कुछ हम अनुभव की प्रक्रिया आपको बताते हैं। ये केवल प्रकाशक है, केवल ज्ञान है, परंतु दृष्टा को मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं हो सकता, मैं अज्ञ हूं ये अनुभव भी नहीं हो सकता, मैं मर गया ये अनुभव भी नहीं हो सकता। बता माने अपने सतपने का और अपने चितपने का अभाव कभी भी अनुभव में नहीं आ सकता। देखो कोई भी साक्षी, कोई भी दृष्टा, कोई भी चेतन, कोई भी ये अनुभव करे कि मैं मरा हुआ हूं तो जिंदा है कि नहीं? यदि वो अनुभव करे, अच्छा ये अनुभव करे कि मैं मर गया, तो मर गए थे तो फिर कहां से आ गए? पूरी तरह नहीं मरे थे जी, आधे ही मरे थे। कोई अनुभव नहीं कर सकता कि मैं मर गया था, और कोई भी अनुभव नहीं कर सकता कि मैं मर गया हूं, है ना? तो अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी कोई नहीं कर सकता। ये देखो अनुभव की प्रक्रिया है। अब जो बोलेगा कि मैं नहीं हूं तो उसकी जीभ पर क्या बोलना पड़ेगा? बदतो व्याघात दोष बोलना पड़ेगा, इसका नाम बदतो व्याघात। तो मुंह तुम्हारा है बाबा, तुम कह लो कि हमने 10 हाथ की हर्रे देखी है, क्योंकि तुम्हारी जीभ है। जो अपनी मृत्यु का अनुभव करता है वो तो मृत्यु का दृष्टा है, और जो अपने अज्ञान का अनुभव करता है वो अपने अज्ञान का दृष्टा है। तो जो मृत्यु का दृष्टा है, अज्ञान का दृष्टा है, जो दुख का दृष्टा है, कैसा कोई ये अनुभव करे कि मैं दुख रूप हूं? कर ले छुट्टी है तुमको, तो तुम ये सोच कर लो कि मैं दुख रूप हूं। अरे दुख रूप नहीं हो तुम, अपने बहुत प्यारे हो, तुम्हारा कुत्ता तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम अपने को दुख रूप मान ही नहीं सकते। वो तुम्हारे सामने पूंछ हिलाता है, जीभ निकालता है, तुमको चाट से चाटने के लिए दौड़ता है, तुम मान लो कभी भी अपने को कि मैं दुख रूप हूं? तो ना तुम अपने को दुख रूप अनुभव कर सकते, ना अज्ञान रूप अनुभव कर सकते, क्योंकि सुषुप्ति का अज्ञान भी प्रत्यक्ष है, और न अपने को मृत्यु रूप अनुभव कर सकते। तो जब मृत्यु अज्ञान और दुख रूप तुम अपने को अनुभव नहीं कर सकते, तो इससे ये निकला कि साक्षी मृत्यु से विलक्षण है, अमृत है। साक्षी अचित से, जड़ से विलक्षण है, जिन्मात्र है, और साक्षी दुख से विलक्षण का आनंद मात्र है। अब ये कहोगे ठीक है जी, मैं हूं दृष्टा साक्षी, मैं हूं तीन लोक से न्यारा, है ना? मैं हूं दृष्टा साक्षी, बहुत बढ़िया। बोले कि अब तो बस वेदांत का ज्ञान पूरा हो गया ना, तो अपने साक्षी को अद्वितीय रूप से नहीं जाना, जिसके तुम साक्षी हो। एक सत्ता वो है जिसके तुम साक्षी हो,
और एक तुम हो, एक अभान रूप अज्ञान है और एक तुम उस अज्ञान के साक्षी हो। तो अब ये जरूरत पड़ी कि ये जो साक्षी है इसका स्वरूप असल में क्या है, ये किस देश में साक्षी, साक्षी कौन देश से आया, साक्षी किस देश से आया, साक्षी कौन काल में जन्मा, साक्षी जो है वो किस काल में पुरुष होता है, साक्षी जिस धातु से बना है वो धातु क्या है। बोले अरे भाई मैं साक्षी हूँ। भगवान दृष्टा साक्षी जिसको बोलते हैं ना, जरा इसका हिसाब लगा लो। रूपम दृश्यम लोचनम दृक, ये रूप दिखता है और आंख देखती है, इंद्रियां पांचों विषयों को, उनकी जाति को और उनके अभाव को दिखाती हैं, अनुपलब्धि होती है। तो अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का पता चलता है। शब्दाभाव जो है, शब्दाभाव कैसे प्रत्यक्ष होता है इस पर कभी विचार करना। शब्द का प्रत्यक्ष स्रोत्र से होता है और शब्दाभाव का प्रत्यक्ष कैसे होता है, तो इंद्रियों का स्वभाव है कि वो अपने विषय को, अपने विषय की जाति को और अपने विषय के अभाव को दिखाती है। तो इंद्रियां दृष्टा हैं और विषय अनेक विषय दृश्य हैं। ठीक है, अदृग दृश्यम दृक् सुमानसम, हम अंतकरण पर बैठ करके इन ज्ञानेन्द्रिय विषयों के पंचत्व को और इंद्रियों के पंचत्व को देख रहे हैं मन के रूप में, और मन में तो अनेक वृत्तियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों उसी की वृत्तियां हैं। दृश्यादि वृत्तयः, मन की कभी सुषुप्ति होती है, कभी स्वप्न आता है, कभी जागृत होती है, ये मनी राम नाना प्रकार का जंजाल दिखाते रहते हैं। अरे महाराज दुख तो तब मालूम पड़ता है जब हम पैसा नहीं छोड़ सकते, मकान नहीं छोड़ सकते, औरत नहीं छोड़ सकते, शरीर नहीं छोड़ सकते, अरे जब किसी चीज को झूठ मूठ पकड़े हुए नहीं है पर पकड़े हुए का अभिमान करके कि हम पकड़े गए और इन्होंने हमको पकड़ लिया और हमने इनको पकड़ रखा है और ये पकड़े गए, हमने पकड़ा ये पकड़े गए और इन्होंने पकड़ा हम पकड़े गए, ये झूठा अभिमान करके भ्रांति बस जब बैठ जाते हैं तब स्वातंत्र का उच्छेद सा हो जाता है। उच्छेद नहीं होता, उच्छेद सा हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें पकड़ सके या जिसको हम पकड़ के रख सके। बिल्कुल आत्मा जो है वो स्वतंत्र सत है, स्वतंत्र चित है, स्वतंत्र आनंद है। साक्षी दृगेव न तो दृश्यते, ये तो देखता ही देखता है, दृश्य होते ही नहीं कभी। दृश्य का जन्म मरण दृष्टा का जन्म मरण नहीं है, है ना? दृश्य का ज्ञान अज्ञान दृष्टा का ज्ञान अज्ञान नहीं है, दृश्य का सुख दुख दृष्टा का सुख दुख नहीं है। आप ये बात ध्यान में बैठाओ, दृश्य का जन्म मरण दृष्टा का जन्म मरण नहीं है, दृश्य का ज्ञान अज्ञान दृष्टा का ज्ञान अज्ञान नहीं है, और दृश्य का सुख दुख दृष्टा का सुख दुख नहीं है। अच्छा जी, बोले अब तो ठीक है जी, मैं दृष्टा हूँ। बोले दृष्टा आंख से स्वरूप देखता है एक ही है, और कान से शब्द सुनता है वही है, और स्वप्न देखता है वही है, सुषुप्ति को देखता है वही है, दृष्टा एक है। बोले बस अब तो वेदांत का ज्ञान पूरा हो गया,
कहना ही अभी वेदांत की छत्र छाया जो है वो अभी प्राप्त नहीं हुई। ये देखो ये विचार करने का कितना सरल रीति है कि आप अपने इंद्रियों के ज्ञान पर विचार करो, अपनी मनोवृत्तियों के ज्ञान पर विचार करो, अपने दृष्टापन पर विचार करो। बात ये रही कि एक दृश्य और एक दृष्टा। बोले कि भाई दृश्य तो दृष्टा की दृष्टि मात्र ही है। तो नारायण इसको वेदांत की प्रक्रिया में एक जीव बात बोलते हैं, ये वेदांत की एक प्रक्रिया है। दृष्टा की दृष्टि ही प्रपंच है, जहां जहां दृष्टि है तहां तहां प्रपंच है, ऐसा नहीं। और जब जब दृष्टि है तब तब प्रपंच है तो नहीं है ना। जो जो दृष्टि है सो दृष्टि है का ये भी नहीं। जहां जहां दृष्टि है तहां तहां प्रपंच है, ऐसा समझोगे तो क्या होगा, काल का देश का बाद नहीं हुआ। और जब जब दृष्टि है तब तब प्रपंच है, ऐसा समझोगे तो काल का बाद नहीं हुआ। और जो जो दृष्टि है कोई कोई दृष्टि है का अगर ऐसा समझोगे तो द्रव्य का बाद नहीं हुआ। आपसे पृथक देश काल और वस्तु जो है वो बिल्कुल अविचारित और अबाधित रह गए। इसलिए मैं हूँ ना तीन काल का दृष्टा, मैं हूँ तीन लोक का दृष्टा है ना, मैं हूँ इस त्रिपुटी का दृष्टा का नहीं, सबके दृष्टा हो तो ठीक है, परंतु ये दृष्टा जो है ये क्या है ये विवेक करना का ये जानना बाकी रह गया। तो भामतीकार और शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि इसी दृष्टा तक कि मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति का दृष्टा हूँ और जन्म मरण का भी दृष्टा हूँ और ज्ञान अज्ञान का भी दृष्टा हूँ और सुख दुख का भी दृष्टा हूँ, मैं देश काल वस्तु का भी दृष्टा हूँ। ऐसे यहाँ तक का ज्ञान बिना वेदांत के हो सकता है। बिना वेदांत के भी यहाँ तक का ज्ञान हो सकता है कि मैं दृष्टा हूँ। विवेक करके देख लो, तुम्हें युक्ति से, कहानियों से, दृष्टांतों से है ना, जिसमें आप खूब हंसते खेलते रहो, उन हंसाने खिलाने वाली युक्तियों से यहाँ तक हम आपको पहुँचा सकते हैं कि आप दृष्टा हो। मैं दृष्टा हूँ और सारी सृष्टि मेरी दृष्टि है। बोले कि तब तब भी ये वेदांत की जरूरत, अब तो वेदांत की शुरुआत हुई है ना। ये बात भामती के प्रारंभ में ये बात कही गई नारायण, क्या कहा गया कि बोले मैं हूँ, अरे मैं जानता हूँ, मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद हूँ। ये बात तो विवेकी पुरुष के सामने बिल्कुल वैसे ही है जैसे सीता लोक मध्यवर्ती घटा, जैसे अत्यंत रोशनी में प्रकाश में खड़ा रखा हो और दिख रहा हो। विवेकी पुरुष के सामने ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं किसी का सगा संबंधी नहीं हूँ, सगा संबंधी हूँ ये भ्रांति है ना। मैं किसी विषय के बिना है ना दुखी हूँ का ये बात गलत है। न मैं दुखी हूँ, न मैं सुखी हूँ, न ज्ञानी हूँ न अज्ञानी हूँ, न मैं जन्मता हूँ न मरता हूँ, ये सारी बातें तो बिल्कुल जैसे प्रकाश के बीचों बीच कोई खड़ा रखा हो और दिखता हो वैसे दिखती है। इसके लिए तो वेदांत की कोई जरूरत ही नहीं है।
लो तब फिर वेदांत की क्या जरूरत का भी इसके आगे एक बात और। सीता लोक मध्यवर्ती घाट के समान दृष्टा का जन्म मरण से मुक्त होना, ज्ञान अज्ञान से मुक्त होना, सुख दुख से मुक्त होना, ये तो बिल्कुल विचार से सिद्ध है, युक्ति से सिद्ध है, तर्क से सिद्ध है, प्रत्यक्ष से सिद्ध है। बोले हम एक बात ऐसी बतावेंगे ऐसी बतावेंगे, ये जो दृष्टा है, ये जो साक्षी है, ये काल में बैठकर, देश में बैठकर, द्रव्य में बैठकर के दृष्टा साक्षी नहीं है। यदि कोई सोचे कि जैसे ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बिना ओर छोर के हैं, ऐसे मैं बिना ओर छोर का हूँ, तो मालूम पड़ेगा कि मैं व्यापक हूँ। बोले ये वेदांत हुआ कि नहीं, ये तो तुमने देश की कल्पना को आत्मा के साथ जोड़ करके उसको व्यापक समझा। तो बोले कि मैं अनादि और नित्य हूँ और अनंत हूँ, काल में मेरी मौत नहीं है, साधो हम मरते नहीं, फलटू करो विचार। बोले ये तो तुमने काल को आत्मा के साथ जोड़ करके, जैसे काल कभी नहीं मरता वैसे तुम सोच रहे हो कि मैं भी नहीं मरता हूँ, और जैसे देश सब जगह परिपूर्ण है, देश को अपने आप में आरोप करके तुम सोचते हो कि मैं सब जगह व्यापक हूँ। तो बोले कि अच्छा मैं सर्वात्मा हूँ, अवोग्य वेदांत। नारायण ये सर्व जो बीज बीजांकुरात्मक जो सृष्टि है उसको अपने साथ जोड़ करके तुम बोलते हो कि मैं सर्व हूँ। तो द्रव्य की उपाधि, बीज कार्य कारण की उपाधि अपने साथ जोड़ी तब तुम सर्व हुए, काल की उपाधि जब अपने साथ जोड़ी तब अनादि अनंत हुए, और देश की उपाधि जब अपने साथ जोड़ी तब तुम सर्वव्यापक हो गए। ये सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापक सर्वकालावस्थाई और सर्वोपादान रूप जो अपने आप को तुमने सोचा, वो तो समूची सृष्टि का अपने अंदर आरोप करके सोचा, इसलिए ये भी वेदांत नहीं हुआ। अभी तो वेदांत को जो बताना है नारायण, वो इससे भी विलक्षण है। वेदांत वो चीज बताता है, ये कोई हंसी खेल जिंदगी है ना, दीर्घ काल निरंतर जियो सत्कार बुद्धि से सद्गुरु की सेवा करने पर नारायण, ये ज्ञान हो जाए जो वेदांत बताता है। वेदांत को बताता है एक बात आपको सुनाऊं, मैं ईश्वर नहीं हूं, ये बात सबको प्रत्यक्ष है। किसने ईश्वर को प्रत्यक्ष करके और देखा है कि वो मैं ईश्वर हूं, ये तो किसी जीव को प्रत्यक्ष ही नहीं है। जो मानता है केवल कल्पना से अपने को ईश्वर मानता है। एक दूसरी बात हो, अपना ईश्वरत्व सर्व कारण कारणत्व सर्व परिणामित्व सर्व व्यापकत्व सर्वज्ञत्व सर्व बीजत्व सर्व शक्तिमत्व, क्या अहम ईश्वर ऐसा किसी जीव को प्रत्यक्ष है? तो इस कल्पित स्थिति को उत्पन्न करने का जिम्मेवार वेदांत नहीं है। ये तो बिल्कुल कल्पनात्मक स्थिति है, क्योंकि अपने में सर्व शक्तिमत्व सर्व बीजत्व सर्व व्यापकत्व सर्वात्मत्व सर्वावस्थायित्व सर्वोपादानत्व अपने आप में प्रत्यक्ष ही नहीं है, सर्वज्ञत्व। तो कौन कल्पना करके बोलेगा कि मैं ईश्वर हूं? तो अपना ईश्वरत्व अप्रत्यक्ष है, इसलिए अपने में ईश्वरत्व की कल्पना करना भ्रांति है। कि मैं ईश्वर हूं ये कल्पना बिल्कुल भ्रांतिजन्य है, और मैं जीव हूं ये कल्पना भी उपाधि के साथ अपना संबंध जोड़ने से है ना, या उपाधियों के द्वारा देखने से दृष्टत्व की जो कल्पना है ये भी भ्रांतिजन्य है, इसमें भी भ्रांति शेष है। तो मैं ईश्वर हूँ इसमें भी भ्रांति है, और मैं दृष्टा साक्षी हूँ इसमें भी भ्रांति है।
तो तब वेदांत एक ऐसी चीज बताता है, हरा रहा है कि ईश्वर की तो अप्रत्यक्षता न रहे और अपने आप में दृश्य सापेक्ष दृष्टित्व न रहे। इस बात का निषेध करने के लिए वेदांत तत्वमस्यादि महावाक्य आओ, उपनिषद की शरण में आओ, वेदांत की शरण में आओ, वेदांत के सिवाय इस अखंड अद्वितीय वस्तु को अनुभव में लाने वाला और कोई पदार्थ नहीं है, इस बात को बताने के लिए वेदांत है। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं, कोई सक्रिया नहीं, कोई विक्रिया नहीं, है ना। और ये तत्व ज्ञान होने के बाद चाहे जनक की तरह राज्य करो, चाहे राम की तरह धर्म का नेतृत्व करो, चाहे नारद की तरह उपासना का नेतृत्व करो, चाहे दत्तात्रेय की तरह अवधूत वृत्ति से रहो, चाहे सुखादि के समान विरक्त रहो, न रहे उसका दैहिक दृष्टि से कोई मूल्यांकन उस तत्वदर्शी पुरुष का नहीं किया जा सकता जिसने अपने को अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य के रूप में जानकर अपने आप को और द्वैत की भ्रांति को बिल्कुल भस्म कर दिया है, अपने स्वरूप का अज्ञान जिसका मिट गया है, दैहिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन नहीं होता। ये किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो क्यों समझना, कि जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए सीखो, समझ में नहीं आई तो पूछो ना। और यदि महाराज समझ में आती है तो इसको और सरलता से बता, और सरलता से, और सरलता से, सरलता से समझो। लेकिन ऐसा मत समझो कि हमने जो हल याद कर दिया वेदांत का, हल याद करने से काम चलता है। बच्चे होते हैं ना, उनकी कॉपी में किसी सवाल का जवाब छपा रहता है, याद कर लेते हैं, जब वो सवाल आया लिख दिया, तो उनको गणित लगाना तो आता नहीं है, उनको गणित सीखना था तो सीखा क्या, उन्हें तो नहीं सीखा, हल याद कर लिया। तो हल याद करने से ये गणित नहीं आता, ये गणित को सीखना पड़ता है।